हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेट सॉल्यूशन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आज मैं आपको एक कल की वीडियो में तो मैंने आपको HDFC बैंक के लिए जो मैंने अप्लाई किया था करंट अकाउंट CC वैली का जो ओपन हो रहा है CSP के लिए, उस पर जो मुझे मैसेज मिला था वो मैंने आपको कल पूरा डिटेल्स बताया था। आप मेरे जो कल की वीडियो है 26 तारीख के डेट का आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो मुझे मेल मिला है, फाइनली आज मेरा जो अकाउंट नंबर है वो जनरेट हो चुका है। कल जो मुझे मैसेज गिरा था उसमें बताया गया था कि नज़दीकी HDFC ब्रांच में जाकर के मैं अपना आधार लिंक करवाऊँ, ठीक है। वो एक मैसेज था, हो सकता है कि वो नॉर्मली सभी ग्राहक को जाता हो, अकाउंट जनरेट होते समय या फॉर्म सबमिट करते समय जाता हो, तो वो मैसेज मिला था, उसके बारे में मैंने अपडेट दे दिया था। अब ईमेल जो मिला हुआ है उस ईमेल पे क्या लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ। ईमेल जो आया हुआ है HDFC बैंक इंस्टा अलर्ट्स के नाम से आया हुआ है। अब इसे मैं पूरा व्यू कर रहा हूँ, तो व्यू अब अकाउंट अपडेट फॉर योर HDFC बैंक अकाउंट, ऊपर का टाइटल दिया हुआ है और ये मेरे नाम से भेजा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें डिटेल्स क्या बताया जा रहा है। डियर विवाकर कुमार सिंह, वी कंफर्म हैविंग एक्सक्यूटेड योर नॉमिनेशन रिक्वेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ योर बिलो मेंटेनेंस अकाउंट इन फेवर ऑफ फ्लोइंग सेविंग अकाउंट। ब्रांच नेम जो मेरा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का है, ब्रांच कोड दिया हुआ है, कस्टमर नेम और फिर मेरा नाम, अकाउंट नंबर मेरा दिखा रहा है लास्ट का 4 डिजिट, यानी अकाउंट नंबर मेरा फाइनली जनरेट हो चुका है HDFC ब्रांच में, और नॉमिनी का नेम बताया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि CSC के द्वारा इससे पहले भी इंडसइंड बैंक में अकाउंट खुलवाया गया था, उसमें बहुत सारा अपडेट हम आपको दिए थे, और जो अकाउंट यूज करना भी करंट अकाउंट इंडसइंड बैंक का मैं भी यूज कर रहा हूँ, तो फाइनली उसमें 0 मेंटेनेंस बैलेंस है, उसमें डेबिट कार्ड और चेकबुक अलाउ नहीं किए गए थे, AEPS की सुविधा थी और नेट बैंकिंग फाइनली थी, लेकिन उसमें मेंटेनेंस बैलेंस बिल्कुल 0 है। अब आपको HDFC बैंक इस ATM कार्ड प्रोवाइड करवा रही है, चेकबुक दे रही है और मेंटेनेंस बैलेंस 0 रख रही है, इतनी बड़ी ब्रांच और मेंटेनेंस बैलेंस 0 में अगर आपको अकाउंट मिल रहा है तो काफ़ी ऐसे ही खुश हो जाना चाहिए बेली को कि कम से कम आपका 10,000 तो बची गया मेंटेनेंस बैलेंस, ठीक है। और ये करंट अकाउंट ओपन करवाया गया है, करंट अकाउंट का मेंटेनेंस बैलेंस और ज़्यादा हाई होता है ये सब बैंकों में, चूँकि HDFC एक इंडिया का जो है टॉप मोस्ट बैंक है, आप जान ही रहे हैं। और इस वैली का सभी का अकाउंट ओपन करवाया गया है, क्योंकि CSE के मार्केटिंग को सभी बैंक देख रही है कितनी टर्नओवर है, तो उसमें बहुत सारे बैंक जो है आगे आना चाह रहा है और CSE के साथ हाथ मिला करके काम करना चाह रहा है। उसमें HDFC बैंक ने भी अपना हाथ मिला करके, जैसा कि देख सकते हैं, वो प्रोवाइड करवाएगा हर एक जगह, CSP प्रोवाइड करवा रहा है जितने भी CSE सेंटर्स हैं वहाँ पर। तो ऐसे में अगर इसकी आगे की अपडेट आती है तो वो आपको बताऊँगा, लेकिन मुश्किल से हमको लग रहा है कि 10 दिन के अंदर अकाउंट नंबर जनरेट हो गया है, और मेरा ये दूसरा तीसरा अपडेट आपको HDFC बैंक के रिलेटेड दे चुका हूँ। और जैसे भी कोई भी अपडेट आएगा हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें हमारे चैनल पे। और कोई यदि समस्या हो, इसके बारे में कुछ अगर पूछना चाहते हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी राय है आप दे सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। उम्मीद करते हैं इस अपडेट में आप क्लियर हो पाए होंगे कि अकाउंट जो मुझे मैसेज जो मेल जो मिला हुआ है उसमें अकाउंट डिटेल्स में क्या डिटेल्स है वो आप समझ गए होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैं आपको क्या बताया इस वीडियो में। और आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से इसके रिलेटेड बात कर सकते हैं, यदि अब तो मेल नहीं मिला है और उनके पास एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उस एप्लीकेशन में भी वो चेक करके आपको बता देंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।